नमो नमः बच्चों, आज हम अव्यय प्रकरण समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि शब्द, संस्कृत भाषा में शब्द दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक विकारी तथा नंबर दो अविकारी। अब जैसे बालक शब्द है, बालिका है, मुनि है, वारी है, बहुत सारे शब्द हैं जो संज्ञा शब्द हैं, ये विकारी शब्द कहे जाते हैं। और जो जो ये विकारी शब्द हैं, ये कारक व्यवचन के अनुसार इनमें परिवर्तन हो जाता है। और जो अविकारी शब्द होते हैं, उनमें कारक व्यवचन के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अतः इन्हें अव्यय कहते हैं। तो अब हम अव्यय की परिभाषा देखते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अर्थात जिन शब्दों के रूपों में, चाहे लिंग हो, चाहे लकार हो, विभक्ति हो, वचन हो, वो इन सभी में एक ही समान रहे, जिन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अब जैसे अव्यय शब्द से ही हम देखते हैं, अ जमा व्यय, अर्थात जो खर्च न हो, यानी कि ज्यों का त्यों बना रहे, वह अव्यय कहलाता है। तो अब इन अव्यय शब्दों को क्या कहेंगे हम? अविकारी शब्द। अब उदाहरण है जैसे इनका बेटा, अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, चै, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं अव्यय शब्दों के। तो मैं कुछ शब्द लेकर आपको और थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ। जैसे है अधूना, अधूना का अर्थ होता है अब इसका वाक्य में प्रयोग देखिए कि अधुना अहम गच्छामि, अब मैं जा रहा हूँ। अधुना वयम गच्छामः, अब हम जा रहे हैं। तो देखो बेटा, एक एक वचन का रूप है, एक बहुवचन का रूप है, शब्द है, वाक्य जो प्रयोग हमने किया, एक एक वचन का किया, एक बहुवचन का किया। लेकिन जो अधुना शब्द था, वो एक वचन के साथ भी अधुना ही रहा और बहुवचन के साथ भी अधुना ही रहा। इसी तरह से लिंग का उदाहरण, जैसे अधूना स गमिष्यति, अब वह जाएगा, अधूना सा गमिष्यति, अब वह जाएगी। तो पुल्लिंग का वाक्य था, चाहे स्त्रीलिंग का वाक्य था, उसमें भी अधूना जो अव्यय था, वो अधूना ज्यों का त्यों बना रहा। तो हमने जो परिभाषा समझी थी कि जो सभी लिंगों में, सभी लकारों में, विभक्तियों में, वचनों में एक समान रहे, वो अव्यय कहलाते हैं। तो ये यहाँ पे जो परिभाषा हमने देखी, वो पूर्ण रूप से यहाँ पर फिट बैठती है। अब जैसे हम वचन का देखते हैं, अपि से उदाहरण, अपि उदाहरण देखते हैं, अपि माने भी। अब इसका उदाहरण हम देखें कि स विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय में जाता है, अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। तो ये एक वचन का वाक्य है। अब जैसे है ते विद्यालयम गच्छन्ति, वे विद्यालय में जाते हैं, वयम अपि विद्यालयम गच्छामः, हम भी विद्यालय में जाते हैं। तो यहाँ ये बहुवचन का वाक्य था, लेकिन एक वचन के साथ भी और बहुवचन के साथ भी अपि जो अव्यय था, वो ज्यों का त्यों बना रहा। एक विभक्ति का उदाहरण लेते हैं बेटा, जैसे अत्र अव्यय है, अत्र माने यहाँ, अत्र पुस्तकालय अस्ति, यहाँ पुस्तकालय है, अब प्रथमा विभक्ति होगी, पुस्तकालय है। अत्र पुस्तकालये छात्राः पठन्ति, यहाँ पुस्तकालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति थी, पुस्तकालये। तो विभक्ति चाहे हम कोई भी लगाएं, लेकिन अत्र जो शब्द अव्यय शब्द है, वो अत्र ही रहा। तो अब हमने सारे उदाहरण देखे, लिंग के भी, वचन के भी और विभक्ति के भी। तो आपने नोट किया कि जो अव्यय शब्द हैं, वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो अव्यय की परिभाषा होगी बेटा कि जो किसी भी रूप में नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो नीचे मैंने कुछ और उदाहरण भी दिए हैं, जैसे है यदा, जब, यदा अहम गमिष्यामि, तदा माने तब, तदा सह गमिष्यति, यत्र, जहाँ, सह यत्र गमिष्यति, वह जहाँ जाएगा, तत्र, वहाँ, तत्र अहम अपि गमिष्यामि, वहाँ मैं भी जाऊँगा, कुत्र, कहाँ, तव गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है, सर्वत्र, सब जगह, ईश्वर सर्वत्र अस्ति, किम, क्या,
तव नाम की मस्ती, तुम्हारा नाम क्या है, अपि भी, मैं भी पढ़ता हूँ, अहम अपि पठामि, श्वः, श्वः का अर्थ होता आने वाला कल, किंतु लेकिन, कथम क्यों या कैसे, प्रातः सुबह, सायं श्याम, सर्वदा हमेशा, विना अभाव में, जैसे धनम विना सुखम नास्ति, धन के बिना सुख नहीं है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे अव्यय शब्द हैं जिनसे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, और उनको जहाँ भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे वो ज्यों के त्यों ही प्रयोग होंगे। तो आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं, आगे फिर नए विषय के साथ फिर प्रस्तुत होंगे।